मेरा नाम मोहम्मद फरकान बिलाल महफूज है। हाजी महफूज शीरमाल हाउस का मैं ओनर हूँ। हाजी महफूज शीरमाल हाउस कायम किया था 1982 में। अगर इसकी हिस्ट्री में मैं जाऊँ तो दिल्ली में जो हमारे परदादा होते थे, अब हाफिज़ महफूज साहब, उनका होटल होता था दिल्ली महफूज नेहारी होटल। वैसे तो काम हमारा नहारी रोटी का था, लेकिन यहाँ पे आके डैडी ने थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाई किया और रोटी और शीरमाल की तरफ गए। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये पहला हाजी महफूज शीरमाल हाउस था तो ये गलत नहीं होगा। दिल्ली में जो हमारा एक हिस्ट्री है तो दिल्ली से ही चली आ रही है, नहारी की, रोटी की, शीरमाल की, और अब तक वो लेगेसी फॉलो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, शीरमाल और ताबतान के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, शुगर होती है और मैदा यूज़ होता है इसके अंदर, घी यूज़ होता है, और इसके अलावा ताबतान के अंदर यीस्ट एक एडिशनल यूज़ होता है इसके अंदर। शीरमाल डिफरेंट है और ताबतान डिफरेंट है, टेस्ट वाइज भी डिफरेंट है। शीरमाल मिठास में ज़्यादा होता है, ताबतान कुछ कम होता है, और उनको बनाने का और उनको बेकिंग करने का भी तरीका अलग है और मिक्सिंग करने का भी तरीका अलग है। शीरमाल और ताबतान जो है वो शादी ब्याह में भी इस्तेमाल होता है। शीरमाल ताबतान मजालिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और नॉर्मल रूटीन में लोग चाय के साथ बहुत शौक से खाते हैं इसको। मोस्टली जो शीरमाल और ताबतान यूज़ होता है कोरमे के साथ और कढ़ाई के साथ, इन दो चीज़ों के साथ जो है मोस्टली शीरमाल ताबतान यूज़ होता है। चाय के साथ दो किस्म के शीरमाल होते हैं, एक तो नॉर्मल शीरमाल होता है और एक हमारा फेमस क्रिस्पी शीरमाल है, वो चाय के साथ लोग बहुत ज़्यादा शौकीन है खाने के।